every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. My YouTube channel, Ryan Mall Every Day, and my name is Shailesh. हालांकि मेरा चैनल एनीमे के ऊपर है जो कि ड्रैगन बॉल सुपर है, पर मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं GTA 5 टेंसेंट गेम्स के बारे में। तो एक डेढ़ महीने पहले टेंसेंट गेम्स ने प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स, जो कि बड़ा ही पॉपुलर गेम है और PC के लिए उसकी साइज़ तकरीबन 15 GB तक की है, तो उसने टेंसेंट गेम्स ने प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए, सिर्फ एंड्रॉयड के लिए तो सिर्फ 600 MB तक का कंप्रेस करके उसने लाया था गेम। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि 15 GB का गेम 600 MB में कन्वर्ट हो सकता है। सोचिए 50 से 60 GB तक का गेम जो कि GTA 5 है, वो एंड्रॉयड और iOS के लिए क्यों नहीं लाया जा सकता। हालांकि ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत बदला होगा क्योंकि वो कंप्रेशन मेथड होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर टेंसेंट गेम्स लाएगा GTA 5, तो वो अकेले लाएगा या पार्टनरशिप में लाएगा, कोलेब्रेशन में लाएगा रॉकस्टार के साथ? तो जी दोस्तों, रॉकस्टार के साथ कोलेब्रेशन तो करेगा ही टेंसेंट, क्योंकि रॉकस्टार का ही रेयर प्रोडक्ट है GTA 5, और अकेले रॉकस्टार ये सब मैनेज नहीं कर सकता। हालांकि अब 10th एनिवर्सरी पूरी होने जा रही है GTA 4 को, पर एक चाइनीज सर्वे के मुताबिक, अभी टेंसेंट गेम्स ने चाइना में एक सर्वे किया था, तो उसमें चाइनीज लैंग्वेज में उसने कहा था कि ग्राउंड के बाद मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए GTA 5 खेलना पसंद करेंगे। तो इस एक बात के वजह से यूट्यूब पे बहुत ही तेज मच जाएगा और गेमिंग की दुनिया में जैसे कि बाढ़ आ गई, क्योंकि GTA 5 फाइनली मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए आने जा रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड मोबाइल के लिए आ सकते हैं, तो GTA 5 भी आ सकता है। हम यही आशा करते हैं कि GTA 5 में टेंसेंट गेम्स लाए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए और iOS प्लेटफॉर्म के लिए। बस यही बताना था गाइस, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली लेटेस्ट अपडेट के लिए और लाइक करना मत भूलिए। Okay.